हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं वो है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट यूजिंग द सिंगल स्लिट एंड डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। ठीक है बच्चों, तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है? इट इज एन स्लिट। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम एक्सपेरिमेंट टेबल पे जाके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। उससे पहले हम इसकी थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? डिफ्रेक्शन है। तो डिफ्रेक्शन क्या है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शार्प कॉर्नर, ऑब्स्टेकल्स और द स्लिट। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं स्लिट की, सिंगल स्लिट एंड द एन स्लिट। अब डिफ्रेक्शन की कंडीशन क्या है? डिफ्रेक्शन की कंडीशन है द वेवलेंथ ऑफ सोर्स इज इक्वलेंट टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, तो इसलिए वेल नोन ब्रैग्स लॉ है डिफ्रेक्शन का, दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ब्रैग्स लॉ की कंडीशन है ये। और ये जो है वो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। एल क्या है? ऑर्डर है, लैम्डा वेवलेंथ है, और थीटा क्या है? जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। और ए प्लस बी यहां पे है ग्रेटिंग एलिमेंट, जो कि हमारे पास जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो ए प्लस बी जो है वो कितना? 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000। मींस जो हमें ग्रेटिंग मिलता है उसमें विजुअल रेंज के लिए कम अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्लिट्स पर स्क्वायर इंच होती है। तो इंच को हम यहां पे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दे, तो ए प्लस बी क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट मतलब दो स्लिट के बीच का विड्थ। तो यहां से देखिए ये एस वन और एस टू है, तो ये क्या है? यहां से सेंटर ऑफ द स्लिट से हम बात करेंगे तो ये ए बाई टू हो गया, ये ए बाई टू हो गया, और दोनों स्लिट के बीच की विड्थ कितनी? बी है, तो टोटल ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी कितना हो गया? 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000। अब हमारा जो एन क्या, हमने यहां पे फर्स्ट ऑर्डर की हमने यहां पे बात की, तो एन हमें कितना पता है? वन हो गया। ए प्लस बी हमें पता चल गया, तो अब हमें साइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो एक बहुत हम ट्रिक यहां पे लगाएंगे। तो ये बेसिकली पैटर्न जो आपको आपको स्क्रीन में दिखेगा, मैक्स यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा है, दो यहां पे जो है वो मैक्सिमा है, जो कि बोथ साइड सेंट्रल मैक्सिमा के हो। ठीक है, तो हम यहां पे फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? थीटा। ये साइन थीटा हमें निकालना है। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ये कितना है, डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन, और द डिस्टेंस बिटवीन द सिंगल स्लिट एंड द स्क्रीन। ठीक है, तो यहां से हम डी, या ये टोटल डी है, एक्सएम हम क्या करेंगे वहां पे, जब हम स्क्रीन पे स्केल से एक्सएम की वैल्यू को मेजर कर लेंगे और वो पुट कर देंगे यहां पे, और डी हमें पता होगा जो कि ऑप्टिकल बेंच में हम मेजर कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन। तो टोटल हमारे पास साइन थीटा आ गया, और साइन थीटा की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे डिफ्रेक्शन की कंडीशन में, तो हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो मैक्सिमम की हम यहां पे बात करते हैं डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में। अब सिंगल स्लिट में हम सेम बात करें तो ये जो कंडीशन है, यानी ए साइन थीटा इज एम एम लैम्डा, एम इज 1 2 3, ये क्या है? मिनिमा की कंडीशन। तो यहां पे हम क्या करेंगे? मिनिमा की हम यहां पे बात करेंगे। तो टोटल ए हमें पता है दैट 0.006 सेंटीमीटर। यहां से हम साइन थीटा सेम हम यही काम जो हमने ग्रेटिंग पे किया था, तो हम यहां से क्या निकालेंगे? साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर दोगे, और हमें क्या है? लैम्डा मिल जाएगा। हमें जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते डिफरेंट डिफरेंट डी में हमें जो है वो क्या निकालना है? ये एंगल निकालना, मतलब कि मैक्सिमा की और मिनिमा की पोजीशन को मेजर करना है स्केल से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें वेवलेंथ ऑफ द लेजर हमें मिला है, वेवलेंथ ऑफ लेजर मिलेगा। अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट टेबल पे जाके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रोसीजर है और किस तरह से हम जो है वो लैम्डा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें। अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स है बेसिकली बच्चों, ये लेजर सोर्स है, और ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है, और ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है जो कि विजिबल रेंज में इसका जो
15,000 पर इंच जो है वो लाइन है इसके अंदर, और ये हमारे पास स्क्रीन। तो जब लेजर लाइट फॉल होगा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग पे तो क्या होगा बच्चों, तो इसमें जो होगा वो बेंडिंग ऑफ द लाइट्स। तो इस वजह से हमें क्या है, एक मैक्सिमम मिलेंगे और मिनिमम मिलेंगे। तो ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम और दोनों तरफ जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमम में मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी थ्योरी में आपको बताया है कि दैट इज ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये जो हमारे पास एन इज इक्वल टू वन ऑर्डर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और हमारा काम क्या है, साइन थीटा निकालना, और ए प्लस बी क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, जो कि मैं ऑलरेडी थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, दैट इज 2.454 सेंटीमीटर अपॉन 15,000। तो ए प्लस बी हमें पता चलेगा। अब हमारा काम क्या है, थीटा कैलकुलेट करना। तो थीटा के लिए हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, एक्सएन क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन। तो हमने यहाँ पे 10 जो है वो फिक्स कर रखी है डी, और एक्सएम क्या है हमारा, एक्सएम आप यहाँ देखेंगे स्केल में, तो एक्सएम है 3 सेंटीमीटर। तो आप इस फार्मूले में डी 10 पुट करेंगे, एक्सएम जो है वो 3 पुट करेंगे, जो भी साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, और इसे हमें क्या हुआ, लैम्डा मिल जाए। सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, सिंगल स्लिट में करेंगे, और सिंगल स्लिट में हम क्या लेंगे, मिनिमा की वैल्यू लेंगे। एम इज इक्वल टू 1 के लिए मिनिमा की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ए की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, थीटा हम सेम प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से हमें वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।